हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के सेशन के लिए। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 14,800-850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वहां पर गैप रेजिस्टेंस था। सो 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था 33,800 से लेकर 34,000, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये लेवल के आसपास मिलता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज का अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मैसेजेस देखो, मैंने बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में कॉल सेल दिया था, कंडीशनल ट्रेड था, 320 के नीचे कॉल सेल करना था, और मैंने पुट भी बाय दिया था, और ये दोनों में काफ़ी अच्छा पैसा आया, क्योंकि जो पुट मैंने बाय दिया था वो 160 के आसपास दिया था और इसने अराउंड 205 रुपये का हाई बनाया। सो पुट में भी काफ़ी अच्छा पैसा आया, और जो कॉल सेल दिया था इसने अराउंड 220 का लो बनाया। सो बैंक निफ्टी कॉल सेल ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा पैसा आया और पुट बाय ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा पैसा आया। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। सो अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखो तो क्लीन एंड क्लियर इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ से जो व्यू है वो बुलिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसने 14,800-850 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था वो क्रॉस कर दिया है। वहां पर गैप रेजिस्टेंस था एक, और वो गैप पूरा फिलअप करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, जो कि एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है। अगर यहाँ से ये कंटिन्यू करता है तो हायर चांसेस है 15,300-15,400 के लेवल्स भी जल्दी दिखा सकता है। 15,000 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट होगा, जिसमें मुझे लगता है निफ्टी फ्रेश 52 वीक हाई भी बना सकता है, 15,400 और उससे ऊपर भी जा सकता है। सो अभी आपका व्यू जो है वो बुलिश होना चाहिए। कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है 850 के आसपास तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा निफ्टी। 14,850 के आसपास आपको बाइंग करना चाहिए, 50-60 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में 15,200-15,400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। सो अभी जो व्यू है वो क्लियरली बुलिश है, और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखो तो यहाँ पर गैप रेजिस्टेंस था, ये पूरा गैप फिलअप हुआ, एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर इसने स्मॉल रिटेस्ट किया और एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है निफ्टी में, और यहाँ से मुझे लगता है 15,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 300-400 पॉइंट की रैली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सो आपका जो व्यू है वो बुलिश होना चाहिए, और आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करना है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी अभी भी लैग कर रहा है, काफी पीछे है निफ्टी से। मुझे लगता है निफ्टी में यहाँ से ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी यहाँ से फॉलो थ्रू कर सकता है बिकॉज निफ्टी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। सो बैंक निफ्टी में भी आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, लेकिन अगर आप कंपेयर करो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को तो निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी में भी यहाँ से मोमेंटम पिकअप हो सकता है, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है वो काफी अच्छी क्लोजिंग हुई है, 34,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। और अगर यहाँ से 34,500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, मेजर रेजिस्टेंस है, अगर 34,500 क्रॉस कर लेता है तो वापस वहां से 1,000-1,500 पॉइंट की रैली में देखने को मिल सकती है। सो 36,000 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो यहां से जो व्यू है वो बुलिश है, और बैंक निफ्टी में भी आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखो, कल का सेशन भी वॉलेटाइल था, आज का सेशन भी वॉलेटाइल था। सो हायर चांसेस है जो कल का सेशन है उसमें हमें एक ट्रेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। ये जो 34,500 का लेवल है ये बहुत बार रीटेस्ट हो चुका है, तो अगर ये 34,500 के ऊपर निकलता है तो एक मेजर अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, और 35,000 और 36,000 ये दोनों टारगेट काफी जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो आपका जो व्यू है वो बुलिश होना चाहिए, और बाइंग की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको बैंक निफ्टी में। अगर लाइव मार्केट में कुछ भी लेवल्स में चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस सेलिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं। सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और ये मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।